दोस्तों, बिग बॉस के OTT3 के लेटेस्ट एपिसोड में दूसरा मिडवीक एविक्शन देखने को मिला है, जिसमें बाहर वाले बने लवकेश कटारिया ने एकदम स्मार्ट मूव खेलकर पौलोमी दास को घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल पिछले दिनों बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था। टास्क के बाद अनाउंस किया गया कि इस हफ्ते पौलोमी दास, चंद्रिका दीक्षित, मुनीषा खटवानी और शिवानी कुमारी, नौजी और विशाल पांडे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेशन लिस्ट में हैं और अब नॉमिनेशन की इस लिस्ट से एक सदस्य घर से बाहर हो चुका है। बताया जा रहा है कि वोटिंग में पौलोमी, चंद्रिका और मुनीषा तीनों बॉटम तीन में थे। इन तीनों को बचाने के लिए घर वालों को गार्डन एरिया में बुलाया गया और वहाँ स्टेपर चलाने के लिए कहा गया। ऐसे में बिग बॉस को हर एक घंटे में अपडेट देना था कि आखिर बॉटम तीन में कौन है। अब जब तक स्टेपर चलना था तब तक वोट काउंट होने थे। इसके बाद बाहर वाला यानी कि लव कटारिया को किन्हीं दो में से एक को बाहर करना था। सबने अपना टास्क पूरा किया और चंद्रिका दीक्षित बच गईं, जबकि पौलोमी और मुनीषा बॉटम टू में आ गईं। अब बिग बॉस ने लव कटारिया से पूछा कि आखिरकार पौलोमी और मुनीषा में से वो किसे एलिमिनेट करेंगे। इस पर लव कटारिया ने पौलोमी का नाम ले लिया और वो घर से बाहर हो गईं। यहाँ लवकेश ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट मूव खेला है, क्योंकि आगे चलकर मुनीषा का उन्हें टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन पौलोमी लवकेश को जरूर कम्पीट कर सकती थी। इसके अलावा खबर ये है कि बिग बॉस OTT3 में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर बृष्टि समद्दर का नाम सामने आया है। बृष्टि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस भी हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पर बोल्ड फोटोज के लिए भी जानी जाती हैं। फिलहाल आपको बिग बॉस OTT सीजन 3 के कंटेस्टेंट्स में से कौन सबसे पावरफुल लग रहा है, कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।